एक गाय स्वागत है आपका टेक ऑटो के एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। मेरा नाम है आशु और आज जो हमारे पास गाड़ी है रिव्यू करने के लिए वो है हुंडई की i20। ये हमारी खुद की गाड़ी है, ये आयुष ने परचेज की है गाड़ी एंड आज हम इस गाड़ी का ओनर रिव्यू करने जा रहे हैं एंड मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। आयुष से पूछेंगे हम कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ड्राइविंग इसने कितनी चला ली है ये गाड़ी। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये सब चीजें मिलेंगी, इसको पूरा का पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए एंड आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहूंगा कि जो इसका परचेज एक्सपीरियंस का वीडियो है या फिर हमने इस कार को परचेज करने से पहले किस किस कार से हमने कंपेयर करा था, क्योंकि हमने काफी सारी कार्स टेस्ट ड्राइव करी थी, वो वाला वीडियो हमने ऊपर आई बटन में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड आपको मैं पूछ के बताता हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो भाई बताओ सबसे पहले कितने किलोमीटर चला लिया आपने ये गाड़ी? ये अभी 1000 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं। 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए एंड अब इसकी सर्विस के लिए ले जाना है हमें। तो इसकी जो फर्स्ट सर्विस है कितने किलोमीटर पे है? पहली सर्विस इसकी 1200 किलोमीटर है। अच्छा, तो अभी तक फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है? फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है, तो बेसिकली उसमें चेकअप कहते हैं ये लोग, तो हम देखते हैं कि क्या होता है उस सर्विस में, अभी हम अगली वीडियो में बताएंगे सर्विस में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो इसके 1000 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं, तो हम लेके जाएंगे, 1 से 2 मंथ का टाइम होता है गाड़ी का, हमारा जल्दी कंप्लीट हो गया क्योंकि हमने एक ट्रिप मार ली है, थोड़ा देहरादून की साइड हम निकल गए पहाड़ों में लेके भी। अच्छा, पहाड़ों में होया ये गाड़ी? हाँ, एक ट्रिप पे लग गई है। ओके, तो भाई अभी तक ये है कि 1000 किलोमीटर चला ली एंड पहाड़ों में भी ये गाड़ी एक बार जा चुकी है। तो चलिए पूछते हैं क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। तो भाई खुद बताओ क्या तुम क्या कहना चाहते हो, तुमने 1000 किलोमीटर चला ली है, क्या एक्सपीरियंस रहा? ऑन एंड ड्राइविंग नोट, अगर मैं अपना i20 का ही बता दूं पहले, फिर बाद में इसे किसी और कार से कंपेयर करेंगे, जैसे हमने चला रखी है अदर्स भी। तो जो चलने का है इसका, जो रोड की ग्रिपिंग है काफी ज्यादा सही और काफी ज्यादा अच्छी स्मूथनेस रहती है गाड़ी में, एंड जो आपका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग रिस्पांस जो इस कार का है, मेरे को अदर किसी कार का स्टीयरिंग रिस्पांस ऐसा लगा नहीं। तो स्टीयरिंग अगर मैं हल्का सा भी इधर उधर करता हूँ तो बहुत अच्छे से वर्क करता है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग तो इस कार का मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सेकेंड, जो इसमें ट्रांसमिशन हमको मिला है, ठीक है, जो गियर शिफ्ट है बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो गियर शिफ्ट करने में भी इसमें कोई इश्यू नहीं आता है। पहले वाली जो i20 थी, जैसे मैंने है मौसा जी पे भी देहरादून में ही, तो वो भी चलाते हैं, इलाइट लेट है वो, हाँ। तो वो भी है, बट उसमें क्या है, हाँ। उसमें ना थोड़ा सा इश्यू आता है गियर शिफ्ट करने में कभी कभी। अच्छा। है ना, आपका आप कहोगे कि पुरानी हो गई इसलिए, नहीं, वो उसमें नई में भी रहता ही है, जैसे मैंने भाई से भी पूछा, वो अच्छा, उसने अच्छा। नई से चलाई है, उसने कहा कि हाँ पहले से ज्यादा स्मूथ कर दिया इसका गियर शिफ्ट। अच्छा, अब उतना स्मूथ हमको नहीं मिलता है एंड पहले उतना स्मूथ नहीं मिलता था, अब हमको ज्यादा स्मूथ मिलता है, मैं करेक्ट कर देता हूँ अपने आपको। एंड सेम थिंग हमको स्टीयरिंग पे भी हमारे रिस्पॉन्स मिला है। एंड जो इंजन है, इंजन ऑब्वियसली पहले से बहुत ज्यादा बेटर हमको मिलता है। मैं इलिट 2017 वाली की बात कर रहा हूँ, अब आप कहेंगे कि 18-19 वाली से तो इसका इंजन चेंज नहीं हुआ था, तो 17 वाली जो थी उसमें था, वो BS4 में है कार, तो उस वाले का इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, उससे काफी ज्यादा चेंज हो गया है, काफी अच्छा पावर रिस्पॉन्स हमको इसमें देखने को मिल जाता है गाड़ी में, मतलब इंजन नॉइस वगैरह हमको इसमें कोई ज्यादा कोई खास आती नहीं है, अंदर आइसोलेशन काफी ज्यादा अच्छा दे रखा है, तो अगर आप अच्छा थ्रॉटल प्रेस करते हैं तो गाड़ी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। तो मतलब स्टीयरिंग काफी अच्छा रिस्पॉन्स है एंड इसके जो इंजन है वो भी आपको काफी सही लगा है? काफी रिस्पॉन्सिव इंजन हमको इसमें काफी रिस्पॉन्सिव लगा है। एंड पहले कार्स में माइलेज का इश्यू रहता था i20 में, हमेशा से i20 में सबको ये रहता है यार ये ले तो लो एवरेज नहीं देती, यार ये ले तो लो एवरेज नहीं देती, मैंने सबके से यही सुना है कि पहली i20 नहीं है, फूफा जी पे है, मामा पे है, मौसा जी पे है, तो एक और आ गई है, तो फिर सारी जनरेशन हो गई है वैसे अगर हम देखे घर में। अच्छा, तो सारी जनरेशन है अगर मैं देखूँ, और सबसे ओवरऑल मैंने सबसे पूछा भी था लेने से भी पहले, तो सबका यही कहना है कि यार एवरेज तो देती नहीं है, एवरेज तो देती नहीं है, तो जैसे हम देहरादून लेके गए थे ऑन एंड हाईवे हमको जो एवरेज, इसका मैं MID वाला नहीं बताता हूँ भाई, मैं MID का हम लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, तो हम MID का कंसिडर करते ही नहीं है, तो ये हमारा पर्सनल मतलब टैंक टू टैंक या पेट्रोल टैंक में हम जितना पेट्रोल डालते हैं उसके हिसाब से हम बताते हैं। तो ये 16-17 हाईवे पे रहा है, काफी सही है, तो काफी सही एवरेज लगा मेरे को इसका। एंड जैसे हम पीछे, अगर तेरे को याद हो, हम एक और ओनर से हम मिले थे, हिमांशु नाम था, हिमांशु गुप्ता,
उनके पास भी i20 Elite ही है ना, तो उनसे भी जब मैंने पूछा था कि एवरेज क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने भी हमको बताया था कि 18.5 उनका दे रही है। तो उनकी क्या फर्स्ट सर्विस वगैरह सब चेकअप वगैरह हो गया है, अभी हमारा फर्स्ट चेकअप नहीं हुआ है, थोड़ा सा माइलेज वगैरह फर्स्ट चेकअप के बाद थोड़ा और बेटर हो जाता है, तो फर्स्ट चेकअप के बाद और बताएंगे आपको कि एवरेज वगैरह कितना हो गया क्या हो गया। और सिटी में, सिटी में तो मैं यही कहूंगा कि अभी वो 14-15 का एवरेज है, तो मेजॉरिटी ज्यादातर 14 ही देती है, 15 तो कंसिडर ही नहीं करता हूँ मैं, है ना, 14 का ही रहता है, इससे ऊपर नहीं है। तो ये सिटी में MID वाला या टैंक वाला ही, टैंक टू टैंक वाले, मतलब जो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे बता रहे हो तुम, 14 हुआ है ठीक है, तो माइलेज भी मतलब आपको सही मिल रहा है लगभग, माइलेज पहले से बेटर हो गया, पहले से बेटर हो गया है, पावर ड्रॉप लग रहा है पहले से, कोई पावर ड्रॉप नहीं है, इवन जैसे हम पहाड़ों में थे तो गियर शिफ्ट मतलब गियर डाउन करना पड़ता है इलिट में, मसूरी वगैरह इलिट से गए हैं हम तो लेके गए हैं, लास्ट टाइम भी जब मैं गया था अभी स्टार्ट में जनवरी के, तो इलिट में ही गए थे हम मसूरी, तो उसमें डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, बताना चाहता हूँ जैसी गाड़ी स्टार्ट भी होती है ना आपको पता ही नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है, सच बताता हूँ आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलने का गाड़ी स्टार्ट है या फिर बंद है, इतनी ज्यादा साइलेंट इंजन है ये, ठीक है। चलिए वाइब्रेशन का पूछ लेते हैं भाई थोड़ा सा, कि कोई वाइब्रेशन फील हो रहा है स्टीयरिंग पे, गियर पे, वाइब्रेशन वगैरह तो कुछ नहीं है ना, पेडल्स पे कोई वाइब्रेशन है, बट मेरे को एक चीज लगी कि हुंडा इतने सारे पैसे लेता है तो टायर मेरे को थोड़ा अगर अच्छे मिल जाते तो जो स्लाइटली सा बॉडी रोल मेरे को फील हुआ अबव 100 तो कि हल्का सा मेरे को बॉडी रोल थोड़ा सा टायर से इशू है, वो टायर्स का इशू मेरे को लगा है। अच्छा। ये टायर्स का इशू है, ठीक है, क्योंकि टायर्स अगर आप देखें तो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी के हमको यहाँ टायर्स मिले नहीं है, सीएट के टायर्स मिले हैं, कोई इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, मे बी MRF होता, ब्रिजस्टोन होता तो ज्यादा बेटर टायर हमको यहाँ मिल जाता, मे बी अपोलो भी मेरे को बेटर लगता है, सोनेट जैसे है उसमें भी। अच्छा, टायर का इशू तो किया में भी सुनने में आ रहा है, कुछ ऐसा है क्या टायर का इशू? किया में भी सुनने में आया था कि किया की जो सेल्टोस है उसके टायर बहुत जल्दी घिस जाते हैं। टायर क्वालिटी जो है ना हुंडा और किया दोनों ही अच्छी प्रोवाइड नहीं करती कार्स में, ठीक है, ये कॉस्ट कटिंग का इनका तरीका है। ओके, ठीक है, तो अगर अब हम इसके टायर्स अगर चेंज करने जाए, अभी अलॉयज भी नहीं है इसमें, है ना, अलॉयज भी नहीं है इसमें, ये स्पोर्ट्स मॉडल है, स्पोर्ट्स मॉडल है, तो अलॉयज में थोड़ी और बेटर ग्रिपिंग हो जाती है टायर की। अलॉय कौन सी नहीं है, डायमंड कट नहीं है या फिर अलॉय? इसमें डायमंड कट नहीं है, इसमें नॉर्मल नॉर्मल आता है अलॉय, कंपनी एक नया स्टार्ट करा है किया ने और हुंडई ने, ये कुछ नया लेके आए हैं, वैसे तो मैं इसे प्लास्टिक अलॉय ही कहूंगा क्योंकि अगर आप उस पर बजाओगे तो वो प्लास्टिक की तरह ही बजता है, ना, तो नया अलॉय है ये, कुछ अलॉय जैसा लगता है, अलॉय नहीं है, मैं यही कहूंगा इसे। और सीटिंग कंफर्ट कैसा है गाड़ी का? सीटिंग कंफर्ट बड़ा प्यारा है, मीन्स चाहे रियर सीट हो चाहे फ्रंट सीट हो। सपोर्ट्स कैसे हैं गाड़ी के, जो अंडर थाई सपोर्ट्स होते हैं? मैं इतना कोई हेल्दी वगैरह तो हूँ नहीं, तो मैं तो मैं बताता हूँ जो मेरे को साइड सपोर्ट्स है वो मेरे को प्रॉपर मिल रहे हैं सीट पे, बट अगर मैं अब कंपेयर करूँ इसे सीट को, ड्राइवर सीट को सिर्फ, तो वहाँ मेरे को अल्ट्रोस की सीट थोड़ी बेटर लगती है। अल्ट्रोस की सीटिंग बढ़िया है, थोड़ी ड्राइवर सीट अच्छी है, बाकी जितनी भी सीटिंग है वो इस कार में हमको बेटर देखने को मिलता है, चाहे वो रियर सीट हो चाहे हमारी साइड सीट हो, को पैसेंजर सीट है तो वो हमारी। अच्छा, मैं भी अपना ये पर्सनल बताना चाहूंगा, अभी हम गाड़ी में बैठे थे तो मैं पीछे बैठ के भी देखा था, तो पीछे जो साइड सपोर्ट होते हैं ना, यहाँ वाले जो साइड सपोर्ट होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं इसके, एंड आपको फील हो जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ सपोर्ट है, क्योंकि जो नॉर्मल जैसे बलिनो गाड़ी है वो प्लेन सीट आती है, कोई सपोर्ट वगैरह उसके अंदर नहीं है, स्पेस काफी ज्यादा मिल जाता है बलिनो में, बट आपके जो सपोर्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। हाँ जी, रेयर में थाई सपोर्ट भी अगर तू ही बताए तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ सही है, बिल्कुल कोई इशू नहीं आ रहा था उसके अंदर, बस जो मेरे को एक डिसएडवांटेज लगता है ना इस गाड़ी के अंदर वो पीछे स्पेस है, जो पीछे जो स्पेस है ना वो इतना सफिशिएंट नहीं लगा, क्योंकि बलिनो का स्पेस बहुत ज्यादा है। जबकि स्पेस की बात करो या सिटिंग स्पेस की, तीन जनों के हिसाब से बोला मैंने, तीन जनों के हिसाब से तो यार हम कंफर्टेबल थे पीछे, डिपेंड करता ना, मेरे जैसे 6 फीट हाइट वाले बैठ जाए अगर तीन बंदे तो फिर थोड़ा सा इशू उन्हें एडजस्टमेंट में करना पड़ सकता है, ठीक है ना, बस मेरे को ये कमी लगती है पीछे बैठने से, आगे बैठने से तो कोई इशू है ही नहीं, है ना, ये सीटिंग कंफर्ट इसका सा मतलब सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई अगर और गाड़ी से आपने चलाई है, एल्ट्रोज भी चलाई है, बलिनो भी चलाई है, अब ये भी चला ली, तो मेजर तो तीन यही है, तो उनके कंपेरिजन में ड्राइविंग एक्सपीरियंस सबसे बेहतर किस गाड़ी का मिलेगा आपको? देखो अगर इंजन एफिशिएंसी की बात करें, पावर की बात करें, ठीक है,
वहां पर तीनों ही गाड़ियां सिमिलर सी ही हैं, ऑलमोस्ट बस नेक टू नेक अंतर है थोड़ा सा, इनमें आप ज्यादा कोई डिफरेंस बता नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हैं तीनों के, बट थोड़ा रिफाइंड इंजन हमको i20 में मिलता है अल्ट्रॉस से। ठीक है, वो चीज जब तूने भी अल्ट्रॉस चलाई और मैंने भी अल्ट्रॉस चलाई और i20 चलाई, उसके बाद वो चीज का डिफरेंस पता चला है, चाहे किसी को बाद में पता चले ना चले, बट जैसे कि वो 3 सिलेंडर इंजन है, मैंने चलाया था, मेरे को पता चला था जब मैं देहरादून से आकर के इसका वीडियो बना करके आया था, पहला लॉन्च का ड्राइव करके आए थे, तो जब अल्ट्रॉस कर रहा था तो अल्ट्रॉस में मेरे को लगा था कि हाँ थोड़ा इंजन में इशू है। और बलिनो, बलिनो तो कह ही नहीं सकते हैं भाई कुछ, इससे बेटर इंजन ही हमको मिलता है बलिनो का तो। हाँ, बट ये कहूंगा कि i20 भी काफी टक्कर दे रही है, 19-20 का ही अंतर, 19-20 का अंतर, ज्यादा कोई अंतर है नहीं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैंने तीनों गाड़ी चलाई है, आपने चैनल पर हमारी वीडियो भी देखी है, है ना, तो इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा जो मुझे गियर शिफ्ट लगता है आसान, वो सबसे ज्यादा i20 का है, i20 का बेस्ट गियर शिफ्टिंग है ना, और सबसे ज्यादा जो मेरे को बेकार लगता है वो लगता है बलिनो का, बलिनो का गियर शिफ्टिंग सबसे ज्यादा बकवास है इस सेगमेंट में, ठीक है। एंड जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका, कि ये जो i20 है इसका जो स्टीयरिंग है वो अच्छा है बलिनो से, बलिनो का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को पर्सनली, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, वो कैसा है दूसरी गाड़ी के कंपैरिजन में। स्पोर्ट्स वेरिएंट है ये, पौने 9 लाख खर्चा करने के बाद आपको जो म्यूजिक सिस्टम मिला है, तो यार देखो डीजे वीजे तो नहीं बजाना था, ठीक है, बोस होता तो हाँ मैं कहता हूँ उसकी साउंड मैच नहीं होती है, ठीक है, हरमन और वो तो दोनों मतलब उन... इसमें तो हरमन भी नहीं है ना, नहीं ना इसमें हरमन आता है, इसमें बोस आता है, हुंडई और किया बोस देते हैं, तो इसमें बोस आता है एस्टा मॉडल, एस्टा से स्टार्ट है, एस्टा से स्टार्ट, ओके। तो उसके लिए कम से कम 10 लाख खर्च करने पड़ते, तो मनी नहीं था यार उतने ऊपर तक जाने का, फिर हम एक एसयूवी ना ले लेते, 10 लाख हम हैचबैक में क्यों दे, बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए फिर मैंने यार उसको ड्रॉप करा, मैंने छोड़ो इसको नहीं लेते हैं एस्टा को, क्योंकि क्योंकि जो वो है अल्ट्रोस उसके अंदर एक्सट्रीम मॉडल में हरमन का आ जाता है, और इससे कम प्राइस रेंज में 1 लाख सस्ते में आता है, बट एक जो प्रीमियमनेस आती है ना गाड़ी में बैठ के, बिल्कुल वो उसी में आती है, म्यूजिक थोड़ी देर का होता है जितनी देर आप ड्राइव कर रहे हो, आपने कोई डीजे नहीं बताया ना उसमें भी आप सॉफ्ट म्यूजिक ही सुनते हो, मतलब आई कैचिंग है ये, ठीक है, आई कैचिंग तो है ही है, प्लस इंटीरियर भी काफी ज्यादा आई कैचिंग, प्रीमियम प्रीमियम लगता है, लुक देता है इंटीरियर से। एंड एक और सवाल जो सबका रहता है भाई, वेट कम हो गया है, तो गाड़ी का वेट डेफिनेटली कम हो गया है 100 किलो, बट इतना कोई उससे फर्क नहीं पड़ा है, एंड इसकी एनकैप रेटिंग पे भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस नए अभी तो आई नहीं है, हाँ जिस नए प्लेटफॉर्म पे ये लोग बना रहे हैं, जैसे क्रेटा और वेन्यू वाले ही प्लेटफॉर्म पे i20 इन्होंने डिजाइन करी है, तो इसमें कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ना इसकी एनकैप रेटिंग्स पे, क्योंकि कंपनी ना कभी भी ये नहीं करती कि वो अपनी किसी भी रेटिंग को डिक्रीज करे। एनकैप रेटिंग 2018 इलीट की 3 स्टार थी, लास्ट i20 वही टेस्ट हुई है, ठीक है, अब इसका अगर टेस्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली 4 स्टार तक आएगी। नहीं कहता कि अल्ट्रॉस को बीट कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती अल्ट्रॉस को बीट, बट मारुति आसपास नहीं भटकती, ये भी कहूंगा। अच्छा, विजिबिलिटी का क्या कहना चाहोगे, विजिबिलिटी जो फ्रंट शीशा है, तो ये भी बताओ कॉन्स भी बताओ भाई, इसके क्या क्या कॉन्स है विजिबिलिटी लगी। हाँ, पिलर मेरे को इश्यू देता है, ए पिलर मेरे को इशू देता है टर्निंग में, हमको विंडो से देखना पड़ता है, थोड़ा सा आगे होना पड़ता है, या फिर आगे हो आप स्टीयरिंग पे जाओ थोड़ा ऊपर, या फिर आप अपनी विंडो से देखो, साइड विंडो से पीछे हो करके, बट ए पिलर अड़ता है, वो आपको इशू देगा, आता है साइड में देखने, जब टर्न करते हैं तो दिक्कत देता है, जब साइड में देखते हैं ना टर्न करते हैं, तब कभी कभी राउंड टर्न्स पे दिक्कत दे देता है, ये थोड़ा सा इशू मेरे को मेरठ में ही आ गया था, रहे थे मेरठ में ही, मेरे को पता चल गया था, बट जैसे कि पहाड़ों पे गए, देहरादून गए, मसूरी गए, तो उतना फील नहीं हुआ। एक चीज होती है कि आप ना टाइम के साथ यूज्ड टू हो जाते हो, फैमिलियर हो जाते हो, कि हाँ आपको आदत पड़ जाती है, कि हाँ चल इधर से देख के हो जाता है, जब गाड़ी को आप ऑटोमेटिक चीजें एडजस्ट हो जाती है। तो ये था इसका जो हमने आपको हिंट दिया है कौन सा, एंड अगर आपको हमारी वीडियो है, सारे इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा आपको, एक कॉल मैंने आपको एक टायर का बता दिया, एक पिलर का बता दिया, काफी सारे कॉल्स मैंने निकाल के कर रखे हैं, पर एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं दूंगा, धीरे 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 दूंगा, ठीक है, तो मैं सारे कॉल्स आपको सेपरेट कॉल्स का वीडियो देंगे, क्रॉस का भी वीडियो देंगे हमें, और एक कॉल्स का दे देंगे।
मतलब बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो आएंगे, अभी तो पहले तो नहीं है तो इसका भी वीडियो आता है, मतलब इन्हें सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। तो i20 लेनी है तो i20 के लिए तो भाई सब्सक्राइब कर ही दो। तो गाइस ये हमारा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आपको कोई भी गाइडिंग परचेजिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टा या फेसबुक पर फॉलो करके उन पर मैसेज भी कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको डायरेक्टली रिप्लाई करेंगे जरूर। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रख रहे हैं, चलिए धन्यवाद।